भी जिसको शरीर को ताप देती है, मतलब इस दिन कोमलांगी राधा रानी। लेकिन जब कृष्ण के लिए रोसी बनाया करती थी, एक साथ 15-20 स्टोव लगा हुआ, उसको बीच में राधा रानी बैठी थी। ललिता को बोलती थी, ललिता तुम ये सब्जी बनाओ, विशाखा तुम ये सब्जी बनाओ, तुमको विद्या तुम ये सब्जी बनाओ, सबका आदेश देती थी राधा रानी। और राधा रानी खुद जो बनाती थी, एक लड्डू बनाती थी जिसका नाम है मनोहर लड्डू, जिसमें काजू पिस्ता सब डाल करके बहुत सबसे प्यारा लड्डू था, कृष्ण का सबसे वो प्यारा लड्डू था। फिर बना करके राधा रानी फिर कहाँ चली जाती थी, जाबट चली जाती थी। जब जाबट जाती थी उस समय बहुत दुखी होकर जाती थी, क्योंकि वहाँ पर तो कृष्ण के साथ मिलन होती थी, बड़ी दुखी होकर के राधा रानी वहाँ जाती थी। फिर कृष्ण राधा रानी दोनों अपना आँखों से इशारा करती थी, बोले कोई चिंता मत करो, बोले राधे कोई चिंता मत करो, अभी हम यहीं पर फिर दोबारा मिलेंगे, नंदगांव में तो मिले फिर यहीं पर हम दोबारा फेरे यहीं पर मिलेंगे। और राधा रानी बड़ी दुखी होकर के वहाँ से जाती थी जाबट। जाबट जाने पर वहाँ जटिला कुटिला, उनका सास ननद कौन है, जटिला कुटिला है, इसलिए जटिला मतलब क्या, जट बगाना, कुटिला मतलब क्या, कुट कुट करना हर समय, क्या बात है, हाँ देरी लेट इतना क्यों हुई, क्या कर रही थी, इतना लेट हो गई हैं। इसलिए ये जोग माया ने, क्योंकि जो चीज़ आसानी से मिलता है ना वो चीज़ का हम महत्व नहीं देते, लेकिन जो चीज़ दुर्लभ से मिलता है, अगर सामने गंगा बहता हुआ होगा ना हम नहीं नहाएंगे, लेकिन 1000 किलोमीटर में कई नाली बहता हुआ जाकर नागर जाएंगे, अरे हम वहाँ पर गंगा सागर गए थे, लेकिन घर के सामने यमुना है, वहाँ पर यमुना में आचमन के लिए नहीं जाते। इसलिए जोग माया ने जान बुझ करके अगर राधा कृष्ण का मिलन अगर आसानी से हो जाएगी फिर तो मिलने का उत्कंठा नहीं रहेगी, इसलिए ये जोग माया ने सारे काम किए। वहाँ से जब वापस आती हैं उसी समय ललिता विशाखा कहती है, जटिला कुटिला पुत्र तेरी बहू की छाया तक भी कृष्ण को स्पर्श करने हमें ले गया, बड़े बच्चे आकर के तेरे बहू को ले गए और ले करके आए हैं। और जटिला कुटिला बड़ी खुश हो जाती है, बोले तुम 7 बच्चों का माँ बने, मतलब पहले जो स्त्री जितने संतान जन्म देती थी उसका नाम उतना, बोले 7 बच्चों का माँ, मतलब बहुत बड़ी बात थी ये आशीर्वाद, 7 बच्चों का तो माँ बने। जट फिर ललिता विशाखा कहती थी, देखो मैया जसोदा तेरी बहू की हाथ की खाना खा करके, मैया जसोदा इतने राधा रानी की हाथ का जो बनाया हुआ प्रसाद है, इतने सुंदर उसने खाना बनाई, और मैया जसोदा ऐसे रत्न दान दी, ऐसे रत्न को जो स्वर्ग में देवियों के लिए जो दुर्लभ रत्न है, प्रसन्न होकर के तेरे की बहू को प्रदान की, क्या अलंकार, क्या साड़ी जिसमें सोने की एम्ब्रॉयडरी जैसे काम, क्या करोड़ों करोड़ रुपया की साड़ी प्रदान की। जटिला कुटिला तो बड़ी खुश हो जाती है। फिर जटिला कुटिला बोलती है, विशेष करके यहीं पर जो सूर्य देवता ये है, यहीं पर सूर्य पूजा की विशेष करके रोज रोज आते थे, लेकिन जो रविवार को, हाँ रविवार ना सूर्य का दिन, विशेष करके यहाँ पर आया करते थे। तब श्री जटिला कुटिला बोलती थी, बोले जल्दी जल्दी तैयारी करो, क्या तैयारी करो, चंदन फूल अगूर चंदन जल्दी जल्दी तैयार करो, ये सूर्य पूजा करने के लिए राधा रानी जाएगी। और कृष्ण क्या करते थे, फिर गैया को चराने के लिए जो कुसुमा सरोवर है वहीं पर आते थे। आने पर से राधा रानी क्या करती थी, अपना हाथों से एक सुंदर माला बनाती थी, माला बनाकर कृष्ण के लिए भेजती थी, और अपना हाथों में पान की बिड़िया, पहले लोग पान खाते थे, पान का बहुत शौक था, पान की बिड़िया और कृष्ण कान के लिए 2 कुंडल, बोले किसमें, बोले चंपक पुष्प, जानते हो चंपक पुष्प, देखे हो क्या क्या कैसे, राधा रानी की शरीर का रंग को जो उदाहरण दिया ना चंपक पुष्पों के साथ उदाहरण दिया, चंपक फूल जैसे बड़ा सुंदर, एक फूल यहाँ रख दो ना पूरा यहाँ पता चलेगा कि फूल कहीं व्हाइट कलर का, हाँ येलो रंग, येलो राधा रानी के अंग का कलर का साथ में उदाहरण दिया, राधा रानी का अंग का रंग कैसे चंपक है, इसलिए 2 कलर फूल चंपक फूल कृष्ण के लिए भेज देती थी। कृष्ण जब राधा रानी के हाथ की बनाया हुआ पान की गुड़िया जब खाती थी, और राधा रानी के हाथ में बनाया हुआ जो फूल की माला पहना करती थी, ये वृंदावन को उतरा भेजती थी। यहाँ पर कहाँ पर, कुसुम सरोवर में,
और जब वो फूल का जब कृष्ण जब फूल का दर्शन करते थे एकदम राधा रानी की याद आती थी। कृष्ण सखाओं को बहाना बना देते थे, देखो आज मेरे एक निमंत्रण है, मैं निमंत्रण में जा रहा हूँ, बस सखाओं को छोड़ करके कुछ प्रिय नरमस्त सुबल हैं सुबल सीता मधुमंगल को लेकर कृष्ण यहीं पर आ जाते, यहीं पर आ करके फिर राधा रानी सखियों के साथ में यहाँ पर आती थी। इसलिए यहाँ पर इस सरोवर है, यहाँ पर एक सुंदर वाटिका था जिसमें तरह तरह का फल फूल से लदा हुआ और बड़े सुंदर कुंज, और अभी हम जैसे उजड़ा हुआ देखते ना, पहले ऐसे नहीं है, हम जो सोच है हमारी सोच, उस समय तो वृंदा देवी एक वृक्ष में हर तरह का फूल, एक वृक्ष में हर तरह का फल, एक वृक्ष में हर तरह का पत्ते मिलता था, क्या सुंदर कुंज बनाए करते, कभी फूलों फूलों से और कुछ नहीं, कभी फूल फूल से, कभी पत्ते पत्ते से, हैं पत्ते पत्ते से अद्भुत कुंज बनाया करती थी। एक साथ में छह ऋतु बहती थी, ठंडी नहीं गर्मी नहीं, हैं अद्भुत रूप में बनाया करती थी। यहाँ पर जो वाटिका का जो बगीचा का नाम कंदर्प कुहेली वाटिका इसका नाम था। कंदर्प कुहेली मतलब होता है जहाँ पर राधा कृष्ण का दिव्य मिलन दिव्य विहार हुआ करता था यहीं पर। इतने में राधा रानी सखियों को साथ में आई, सखियों को साथ में आ करके बस कृष्णा सखाओं को साथ में, दो तीन सखाओं को साथ में आए जिनके अंदर थोड़ा श्रृंगार रस है, यहीं पर बैठ करके पसागल के थे। एक तरफ राधा रानी का दल ललिता विशाखा चंपकलता, एक तरफ में कृष्णा और दो तीन उनके सखा है। जब ये पासा खेलती थी, पासा काठी होता है ना, राधा रानी जो पासा काठी फेंकती थी कृष्ण का रंग जैसे, वो काठी का रंग वैसे, और कृष्ण जो कासा पासा काठी फेंकती थी राधा रानी का रंग जैसे, वो पासा काठी वैसे पासा काठी जैसे, कृष्ण जैसे पीतांबर पहनते हैं, राधा रानी नीलांबर पहनते हैं, क्यों दोनों को दोनों का प्रति एक दोनों का प्रति प्रेम को प्रकाश करते हैं। इतने में उसमें जो हार जाएगा, अगर कृष्णा हार जाएगा कहते तो उनका बांसुरी है, वो बांसुरी चली जाएगी। अगर राधा रानी हार जाएगी तो फिर राधा रानी की गजमती हार है, राधा रानी की बड़ी नवलाख हार जिसको बोलते हैं, वो दोनों यहाँ पर रहता था, जो एक हार जाएगा वो जीत जाएगा। इतने में कृष्ण ने पहले पासा काटी को कृष्ण फेंक गए तो जीत गए, जीत गए तो राधा रानी की एक हिरणी थी, राधा रानी का एक हिरणी थी। इतने में कृष्ण का जो सखा था ना मधुमंगल आदि बोले देखा हमारा कन्या जीत गया, उनका जो हार है और जो हिरण है वो जोर जबरदस्त ले गया, बोले कृष्ण हार गया। इतने में राधा रानी पासा काटी फेंकती है, जो पासा फेंकती है ये सखियाँ ज़्यादा कृष्णा को साथ में एक दो सखा हैं और राधा रानी के साथ में सखियाँ, जब राधा रानी पासा काटी फेंकती है ना वो हारने पर भी ना ज़्यादा सखियाँ हैं ना इधर उधर बात करके कृष्ण का जो मन को डाइवर्ट करके इतने में वो हरा हुआ पासा काटी को जीता देती है राधा रानी को। लेकिन सखाओं ने कहा नहीं हमने जीता, तुमने ऐसे कर दिया, दोनों के अंदर में कभी कभी लड़ाई और एक पक्ष में दूसरे पक्ष रहती थी, कौन जीता कौन हारा देखने के लिए भी दो व्यक्ति होते थे, कौन हारा और कौन जीता, ऐसे करके ना कभी दोनों पर हाथापाई हो जाती। कृष्णा कहते राधा रानी के गले में जो हार है, बोले नहीं ये हार देना पड़ेगा। ऐसे करते करते क्या करते कृष्ण का जो बंसुरी है वो बंसुरी लेकर के राधा रानी का जो चोटी है ना, उदाहरण दिया राधा रानी का चोटी कितने बड़ी, कभी ये सर से लेकर प्यार तक है, इतने बड़ी बड़ी उनकी केस है, हैं जब तीन चार उनके चोटी बनाती थी एकदम सर से लेकर प्यार तक उनकी चोटी, बड़ी लंबी लंबी चोटी। और उन्होंने किया क्या, राधा रानी की जो चोटी को अंदर में इतने उनके बाल इतने केस इतने बड़ी बड़ी है, वो बंसुरी लेकर उसके अंदर छुपा दी। कृष्ण का मेरे बंसुरी का मेरे बंसुरी का। इतने में ऐसे छिना चपटी होते होते वहाँ पर तीन सूक है, हैं जो कि सारे खबर देने वाले, कहते एक मंजूभाषी मतलब जो बड़ी मीठी बोलती है, एक है शुभा और एक है विचक्षण, तीन इनकी तोते हैं जो ये आकाश में घूमते रहते हैं सारे खबर को देते हैं। इतने में जटिला कुटिला ने देखा कि क्या हो गया, इतना देर हो गया, वो लोग गई सूर्य पूजा करने के लिए अभी तक वापस नहीं आई, इतने में जटिला कुटिला तो कोई तो गड़बड़ी नहीं, ऐसे नहीं सूर्य पूजा की बहाना से वो काले कृष्ण को साथ में नहीं मिल रहे तो मेरी बहू जा करके। इतने में जटिला कुटिला ना आए, जब आए उनका जो तोता दूर से देख लिया, देख करके आकर बोल दिया सावधान जटिला कुटिला आ रहे हैं,
बाहर चटला कुटला का नाम सुनते ही वो जो पासा खेल रहे थे ना, सारे पासा को उन्होंने लपटा करके कृष्ण भाग जाते हैं सखाओं के साथ में, कुंज में छुप जाते हैं। और राधा रानी जो सखियां है ना वो सारे फेंक फाँक करके इस मंदिर को अंदर में बैठ जाते हैं, जैसे मानो इस सूर्य देवता को पूजा करें, मानो कुछ नहीं जानते पूजा नहीं। इतने में जटिला कुटिला बड़े तर्जन गर्जन करते करता, तो क्या हो रहा था तब से आयो पूजा करने के लिए, अभी तक क्या कर रही थी हैं? ऐसे नहीं वो काले कृष्ण के साथ तो नहीं मिल रही थी। इतने में ललिता था बड़ी चतुर है, ललिता प्रखर आई, प्रखरा समझती हो, बड़ी तेज है ललिता, बड़ी तेज है ललिता, इसलिए वो तो बड़ी तेज। बोले हम क्या करेंगे, कई ब्राह्मण नहीं मिल रहे पूजा करने के लिए सूर्य देवता को, और तेरे नाम सुनते ही ना जटला कुटला, तेरे नाम ना ब्रज में बड़ी बदनामी तुम्हारी नाम पर, जटला कुटला है ना उतने बदनामी, अगर किसी ब्राह्मण को पता चलता है ये जटला कुटला का बहू है ना, पूजा करने के लिए कोई भी एक नहीं आना चाहते, नहीं तो बड़ा बदमाशी है या तुम्हारी नाम की बदनामी की वजह से कोई पूजा करे, हमें क्या करेंगे। पर जटला कुटला चुप हो जाती है, चुप होकर बोले देखो एक काम करो, ज्यादा दक्षिणा के लोभ दिखा कर ना ब्राह्मणों को बुला कर ले आओ, और कृष्ण और जो सुबल सखा कृष्ण और सिद्धा दोनों जाकर जंगल में छुपे हुए थे, फिर सखियाँ वहाँ पर जाती हैं और कृष्ण अपना रूप बदला देते हैं, बदला करके ब्राह्मण रूप धारण कर लेते हैं, और दोनों बटू ब्राह्मण रूप धारण करते हुए वेद मंत्र पढ़ते पढ़ते दोनों को कृष्ण और मधुमंगल को लेकर के आते हैं। बोले दो ब्राह्मण बालक मिले हैं, बहुत अच्छे ब्राह्मण बालक हैं, और उनको ला करके कृष्ण इसी मंदिर पर सूर्य पूजा कराते। बोले कैसे पूजा कराते हैं? इतने में कृष्ण कहते देखो मैं पक्का ब्रह्मचारी हूँ, मैं स्त्रियों का स्पर्श नहीं करता, स्त्रियों का कभी छूता नहीं स्त्रियों को, इसलिए काम करो पहले पूजा करने से पहले संकल्प करना पड़ता है। बोले एक कूस का कूस जानती है ना लेकर के नियम होता है, जिसको पूजा कराओगे वो संकल्प करेगा। तो राधा रानी को कहती है देखो मैं पक्का ब्रह्मचारी हूँ, उसको बहू को दिखाने के लिए ये कुश से दूर से मेरे को स्पर्श करो, लेकिन पास में बता दूर से कुश को लेकर स्पर्श करो, और कृष्ण मंत्र क्या पढ़ते, बोले मंत्र पढ़ो मित्राय स्वाहा, मित्राय स्वाहा मैंने इसका दो अर्थ होता है, सूर्य का नाम एक मित्र है और राधा रानी का असली मित्र कौन है, कृष्ण, असली मित्र राधा रानी कृष्ण है। मतलब राधा रानी को ये पढ़ा रहे हैं, दो अर्थ हो गया, वो चटला कुटला क्या समझ रही है, ये सूर्य देवता को पूजा करा रहे हैं, लेकिन वो राधा रानी को क्या कर रही है, राधा रानी का मित्र तो कृष्ण है, मानो राधा रानी बोल रही कृष्ण के चरण में हम शरणागति और कृष्ण चरण में हम समर्पित हो, वेद मंत्र ऐसे पढ़ते सब हमारे आनंदी हमारे गोविंद लीला मृत ग्रंथ में कृष्ण भावना मृत ग्रंथ में बड़ा सुंदर व्याख्या करके बताया, बहुत अच्छी अच्छी कैसे एक मंत्र दो अर्थ होता है एक मंत्र। उन्होंने जब बड़ी अच्छी तरह से पूजा कराया चटला कुटला खुश हो गए, तो भैया हमने बहुत ब्राह्मण देखे लेकिन इतने सुंदर संस्कृत श्लोक, मतलब तुम आए कहाँ से, मतलब मथुरा में गर्गाचार्य के हम शिष्य आए, गर्गाचार्य के दोनों बच्चे गर्गाचार्य के शिष्य आए, बड़े सुंदर पूजा जब करा बड़े खुश हो गए। नियम है पूजा कराने के बाद दक्षिणा देनी चाहिए, बगैर दक्षिणा की पूजा निष्फल हो जाता है। बोले हम कुछ दक्षिणा देना चाहते हैं, कृष्ण कहते नहीं दक्षिणा की जरूरत नहीं, आपका प्रेम ही हमारे लिए बहुत बढ़िया। वाह ऐसे ब्राह्मण कभी मिलेगा नहीं, इतना पूजा पाठ कराया। बोले दक्षिणा ब्राह्मण तो ज़्यादा लोभी होते हैं ना, वो जहाँ 10 रुपया जाकर 100 रुपया लेने वाले, लेकिन इतने अच्छे ब्राह्मण कहते तुम्हारे प्रेम ही हमारे लिए सब कुछ, हमें दक्षिणा की जरूरत नहीं, बड़े खुश हो गए। लेकिन था मधुमंगल, बोले देखो बगैर दक्षिणा की अगर पूजा कराओगे ना तेरे बहू की इच्छा पूरी नहीं होगी, इसलिए इतने में इसलिए कुछ दक्षिणा देनी चाहिए। बोले भैया क्या दक्षिणा लेना चाहते हो, बोले क्या दक्षिणा, बोले तुम जो लड्डू लाए ना, बोले लड्डू खाने मधुमंगल ब्राह्मण, बोले जो लड्डू रसगुल्ला लाए हो इसको दक्षिणा रूप में दो, और जो कुछ दक्षिणा देने का दक्षिणा दो। इतने में इनको पता चला जो ब्राह्मण है ये ज्योतिष विद्या भी जानते हैं, ये ज्योतिष विद्या भी जानते हैं, हाथ देखना भी जानते हैं। अगर माताओं को अगर पता चली जाए ना ये हाथ देखना जानते हैं, फिर तो चार तरफ भी घिर जाएंगे। बोले देखो मेरे हाथ देखो तो क्या हमारे क्या होने वाले देखो तो। तो इतने में जटला कुटला बोले थोड़ी सी मेरे तो बहू को हाथ देख लोगे क्या भाभी, इसका क्या है। इतने में बोले दूर से दिखाओ पास में नहीं, मतलब राधा रानी इतने सुंदर, राधा रानी देखने में उनके हाथ इतने सुंदर, जब राधा रानी ऐसे हाथ निकालती है ना
कृष्ण तो देख करके हाथ को राधा रानी का प्रेम में कृष्ण कांपने लग जाते हैं और प्रेम में गदगद हो जाते हैं और उनका कहते सौभाग्य रेखा आप लोग अपना हाथ देख लो, कहते माताओं के लिए उल्टा हाथ पुरुषों के लिए सीधा हाथ, ये है देखो ये देख लो ये जो लाइन है ना सौभाग्य लाइन, ये तुम्हारी भाग्य रेखा, ये रेखा जिसको जितने बढ़िया होगा आपको उतना संसार में बढ़िया हर चीज़ बढ़िया होगा, इसलिए आप माताओं के लिए इधर देख लो और पुरुष लोगों के लिए इधर है, ये सौभाग्य रेखा है। अब अपना हाथ को देख सकते हो जिधर देखो, अगर ये रेखा को अगर क्रस कर गया ये बहुत बढ़िया, लेकिन अगर क्रस करके उसको ऊपर में त्रिशूल रूप धारण करता है, त्रिशूल रूप मतलब तीन दुनिया में तुम्हारी जय जयकार, तीन जगत में तुम्हारी जय जयकार होगी, उसको इतने महिमा है उसकी। इसलिए राधा रानी की हस्तरेखा देख करके कृष्ण कहते देखो तुम्हारी जो बेटा है ना इसको ऊपर बहुत विपत्ति आने वाली, लेकिन तेरी जो बहू है ना ये लक्ष्मी स्वरूपिणी तुम्हारी ये बहू है, लेकिन ये तुम्हारी बहू की वजह से तुम्हारे बेटे के ऊपर में कोई विपत्ति नहीं आ रही, क्योंकि तुम्हारी जो बहू है वो साक्षात लक्ष्मी स्वरूपिणी है। देखना स्त्रियों का जात होता है ना, स्त्रियों का कुछ जात होता है, अलग अलग जात होता है, बोले तुम्हारी बहू की वजह से तेरे बेटे के ऊपर में कोई विपत्ति आती नहीं, और तुम्हारी बहू की जो भाग्य रेखा बता रहे हैं तुम्हारी बहुत घर में पैसा आएगा, घर में बहुत धन दौलत होएगी, घर में लक्ष्मी भर जाएगी और गोधन इतना उनका मूल था गोधन, गोधन में भर जाएगा। जब उन्हें इतनी इतने बड़ी बार बात हुआ ना, अगर किसको बोल दो भले ही हो ना हो नहीं हो, अगर किसको बोल दो ना तुम्हारी भाग्य बहुत अच्छी है और खूब धन धान्य भरपूर होगा और खूब दिन दोगुना रात चौगुना बढ़ेगा, भले ही कुछ नहीं हो और बोल दो ना सब खुश हो जाए हैं, जटला कुटला को बड़े खुश हो, बोले भैया ज्योतिष बहुत बच्चे ज्योतिष है। इतने में राधा रानी बोले देख बेटी ब्राह्मणों को प्रणाम करनी चाहिए, बेटी ब्राह्मणों को प्रणाम करके आशीर्वाद लो, लेकिन वो बंसुरी कहाँ पर चुकाए थे राधा रानी की चोटी के अंदर, जब राधा रानी प्रणाम की ना वो जो चोटी के अंदर में जो बंसुरी थी इतने में बंसुरी नीचे गिर पड़ी, बस जटला कुटा बोले ये तो कृष्ण का बंसुरी है, ये कृष्ण का बंसुरी कहाँ से आ गया, वो तो पकड़े गए एकदम रंगे हाथों से पकड़े गए, बोले भैया कृष्ण का बंसुरी कहाँ से तुम्हारे पास में कैसे आ गई, लेकिन ललिता तो बड़ी चतुर है बड़ी बुद्धि है, बोले हम आ रहे थे आते आते देखा ये रास्ता में ये बंसुरी पड़ा हुआ, ये जो बंसुरी है ना ये ब्रज को तसनस करने वाली ये बंसुरी है, तब तक ये गोपियाँ सही रहती जब तक ये बंसुरी नहीं बजती है, लेकिन ये बंसुरी बजते ही पता नहीं ये बंसुरी में क्या करामती है, बंसुरी में क्या शक्ति है, बंसुरी सुनते ही ये गोपियाँ सब पागल बन जाती है, सब कैसे गोपियाँ पागल नहीं बन जाती, यमुना उल्टी बहती है पेड़ से मधु झरने लग जाती है, सबका मन प्राण चित्त यही बंसुरी सबको सब गड़बड़ी यही बंसुरी करता है। आते समय रास्ता में हमने पढ़ते हुए देखा, हमने सोचा ये बंसुरी को चल ले चलो लेकर के यमुना में इसको बहा देंगे, इसलिए हमने ले आए, बोलो इसलिए ले आए, बोले हाँ खुश हो गई, बोले देखिए ये ब्राह्मण मथुरा थे ना लो ये बंसुरी ये ब्राह्मणों को दाम दे दो यही मथुरा लेकर चली जाए, कृष्ण तो देख रहे थे भैया बंसुरी गया था सब कुछ गया, बंसुरी से गैया को हाँकता हूँ, बंसुरी से गोपियों को बुला, बंसुरी तो सारे काम करती है ना, अगर बंसुरी गई तो हमारे सब कुछ गई, लेकिन वो बंसुरी जब कृष्ण को दान रूप में दे दिया ना, बोले भैया प्राण बच गया हमारे जान बच गई अपना बंसुरी अपना पास में आ गई, इसलिए यहीं पर बैठ करके सब लीला हुआ करती थी, यहीं पर ये सूर्य देवता 16,000 साल तक उन्होंने तपस्या किया था, मैं भगवान की बाल्य लीला दर्शन करने के लिए चाहता हूँ, इसलिए सूर्य देवता यहीं पर भजन किया था 16,000 साल, इसलिए भगवान कृपा करके उनको निवास दिया और कृष्ण ने जब बचपन में जो लीला की है लीला को सूर्य देवता ने दर्शन दिया। और उस तरफ में एक मंदिर है, आप लोग गए होंगे, राधा रानी की मुकुट का चिन्ह देखे होंगे पत्थर के ऊपर में, हाँ एक मधुसूदन दास बाबा जी महाराज हुए, श्री जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज का जो गुरुदेव हुए, तो ये वही यहीं पर भजन करते थे संत। एक दिन जब ये कुंड में उन्होंने गोता लगाए, गोता लगा उनका हाथों में जो शिला है ना पत्थर अपने आप आए, तब राधा रानी ने स्वप्न दिया देखो मैं यहीं जब मैंने स्नान करने के लिए आई थी ये पत्थर के ऊपर मैं अपना मुकुट को मैंने रख करके मैंने स्नान किया था, इसलिए जहाँ पर मैंने अपना मुकुट रखी है अब देखा शिला को देखा कि नहीं, देखा पूरा मुकुट का चिन्ह है, वो मुकुट शिला है मुकुट शिला है, इसलिए ये मेरी मुकुट शिला है, इसलिए वहाँ पर रखा हुआ। यहाँ पर श्री जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज भी भजन किए, यहाँ पर भक्ति विनोद ठाकुर भी आए हैं, और यहाँ पर
हमारे जितने गुरुवर्ग है महाप्रभु का परिकर सबके सब आए यहीं पर, रोज रोज राधा रानी आती थी, पुण्य में स्नान करती थी, कृष्ण के साथ मिलन होती थी, इसलिए यहाँ पर बहुत बहुत लीला हुई है, इसलिए स्थान अत्यंत अत्यंत पवित्र है। प्रणाम करो और दिल्ली जाओ, पिता गौर ब्रह्मानंद हम लोग चले जाओ, ठीक है, हम लोग को मंदिर दर्शन, हम लोग क्या हुआ, हम इधर आने के लिए मेरे को थोड़ी ढील आ गए था, हम जिधर आने चाहिए उस दूसरे तरफ में हमारी गाड़ी चली गई, फिर उधर जाकर पूछे तो एक बस को पीछे जा रहे थे, बस दिल्ली जा रहा था, हाँ हम उसको पीछे बड़े दूर तक चले गए, फिर वापस दोबारा आए, ये हमारे लिए हुआ था, अच्छे से हो गई हरी कथा, अभी अभी वहाँ चलेंगे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, एक दिन पहले आ जाओ, 20 का 20 का 21 का वो है सर, बोलो सूरज कुंड की जय, सूर्य मंदिर की जय, सूरज ये इधर भी तो सूरज कुंड है ना, ये है ना, ये उधर से होएगा दर्शन, चलो अब शिला के दर्शन करके आते हैं, जो लाइव देख रहे हैं बने रहो, अभी महाराज जी उधर भी चलेंगे ना, चले हाँ उधर भी दर्शन कराती हूँ, राधे 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 राधे, वृंदावन से फेसबुक पे आप ही डालते हो लाइव, हाँ हाँ जी, आपकी वजह से हमें कथा मिल जाती है सुनने को, क्या नाम है आपका फेसबुक पे, राधा नूपुर दासी, हाँ राधा आप भी डालते हो ना, हाँ हाँ शिल्ला गुरुदेव के नाम से डालते हो ना, नहीं शिल गुरुदेव का तो अलग से अकाउंट है, मेरा अलग है, अच्छा मैं देखता हूँ, मैंने कौन सा ग्रुप है ये जो आपने नाम बोले, नाम पे मैंने देखी है कथा है, उसके गुरु का दर्शन है, गुरु का दर्शन है, और जेडीएस, हाँ एक और है हमारा है, शुद्ध भक्ति भी है हमारा, आप क्या नाम बोला था, राधा नूपुर दास, उसमें पूरी हरी कथा है, पूरी ब्रजमंडल की आपकी पूरी परिक्रमा की, किसमें मेरे अकाउंट में, वो हम कथा में जाके पूरा सुन सकते हो आप, नूपुर दास के अकाउंट में, हाँ मेरे अकाउंट में पूरी कथाएं हैं, वृंदावन की परिक्रमा से लेके यहाँ तक की परिक्रमा तक सारी लाइव करी है मैंने, अच्छा इस बार की कार्तिक, हाँ हाँ कार्तिक की, सूरज कुंड नहीं पास में तो है, लड़की बोलती है
गिर जाएगा, नहीं गिरेगा प्लीज ना। वो इधर बात है शर्म चिरंजीन मोर को टिके बंद करो ना इसको बोल देना बेटर तो बंद कर दे बाद में कुछ ना लोग इतने कुछ कुछ खींच देती है फोन पे बात कर रहे तो खींच लिया अच्छा लो अब तो पीछे है ना अब तो बना ले दो फिर का के मूर्ति खत्म उधर से भी तो रास्ता है कितना बड़ा मोड़ था उधर कहाँ जा रहे हैं इधर से ही तो था रास्ता इधर दिखा दो आओ जल्दी आओ फिर बंद कर ले वो कहे निशान कहा है वो मोर वाला मोर पंख क्या तो अंधेरा हो गया राधा रानी का मुकुट देख लो राधा रानी जी का मुकुट का निशान देख रहे हैं ना सब हाँ पास पास छह सात देख रहे हैं प्रणाम कर लो बटवा दो कर कर लिया इधर से भी दर्शन होता ना कुंड का कुंड का पानी कुंड का पानी
जाचमान का जल लेके आ जल्दी से। अरे आप लेके आओ, प्रणाम कर दे। मैं कर रहा हूँ, ठीक है भाई। हरे कृष्ण। नहीं रुको रुको रुको, हाँ रुको, मैं करता हूँ, आप जल्दी आचमान लेके आओ। इधर कहाँ है, इधर कहीं मिल गया। जा इधर से लिया। बंद कर दे इसको, लाइव को रुक जाओ, लाइव बंद करो। पापा ला रहे हैं, पहले आचमान तो करने दो। दे दिया मेरा दे। आ रहा हूँ। चलो नीताई गौर प्रेमानंद हरी हरी बोल।